बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू विल ऑल राइट। आवर इंग्लिश पीरियड स्टार्ट क्लास 5 एंड लेक्चर नंबर 41। तो आज जो है हम ग्रामर ट्री का जो है वो शुरू करेंगे यूनिट नंबर 10। हमारा यूनिट नंबर 10 है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड क्लासेस। ठीक है, ये हमारा यूनिट का नेम है। तो ये आप देखिए इस ब्लॉक में के पहले उन्होंने टेंस की सेंटेंस की डेफिनेशन है और फिर क्लास की है। ये आप अंडरलाइन कर रहे हैं, ये आपने याद भी करनी है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ इज़ अ सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जुमला अल्फाज का वो मजमूआ जिसमें जो है एक काम करने वाला और एक मुकम्मल खबर जो है वो दी जा रही हो और मुकम्मल जो है सेंस वो हमें समझ में आ रहा तो उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। अगला है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ क्लास। और जिसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी हो लेकिन वो जुमले का हिस्सा हो उसे हम क्लास बोलते हैं। नेक्स्ट में देखें काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अ सेंटेंसेस में कंटेन वन और मोर वर्ब्स दैट इज़ वन और मोर देन वन क्लास। यानी सेंटेंसेस जो है वो एक या एक से ज़्यादा वर्ब होता है काम करना। ठीक है, तो और डैट इज़ वन और मोर देन ऑन क्लास क्लास पे हो तो सिंपल सेंटेंस द मैन वर कंस्ट्रक्टिंग अ डैम हार्डी इज़ हैप्पी। बोथ सेंटेंसेस यानी दोनों सेंटेंस ए बी में कंटेन ओनली वन क्लास ईच यानी उसमें एक जो है वो क्लास है हर एक में। यानी सब्जेक्ट मैन वर कंस्ट्रक्टिंग अ डैम वर्ब आर कंस्ट्रक्टिंग सब्जेक्ट हार्डी और प्रेडिकेट इज हैप्पी वर्ब इज। अ सेंटेंस विच कंटेन्स ओनली वन क्लास इज नोन एज अ सिंपल सेंटेंस। जिसमें एक ही क्लास हो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस और सेंटेंसेस में कंटेन मोर देन वन क्लास यानी एक से ज़्यादा जब क्लासेस होती हैं। द गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग दैट एवरी बॉडी लाइक्ड। ठीक है, यानी जब लड़कियां जो है गाना गाती हैं मिलके तो हर कोई से पसंद करता है। अगला है जी सेंटेंसेस सी कंटेन टू वर्ब सेंग लाइक इट देयर फॉर कंटेन टू क्लासेस। ठीक है, इस तरह है, आप देखें इसमें द वर्ड डिपेंडेंट मीन समथिंग विच डिपेंड्स ऑन अनदर थिंग। द वर्ड सबऑर्डिनेट मीन समथिंग विच इज़ ऑफ लेस इम्पॉर्टेंस देन अनदर। ठीक है, ये आपने देख लें। अब अगले पे आ जाएं सच एज ए ब्लॉक में। सच आर सेंटेंसेस विच कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लास एंड वन और मोर देन वन सब ऑर्डिनेट क्लास इज कॉल्ड अ कम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी या सच आर सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ वन मेन जिसका एक मेन क्लास हो एंड वन और मोर देन वन और एक जो है सबऑर्डिनेट क्लास हो तो उसे हम कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलते हैं। अगला है जी कंपाउंड सेंटेंसेस। और सेंटेंसेस विद कंटेंस टू और मोर वर्ब्स यानी दो या दो से ज़्यादा वर्ब्स हों मे कंटेन टू और मोर देन मेन और प्रिंसिपल क्लासेस। हार्ली इज़ हैप्पी एंड लूरल इज सैड। ठीक है, इसमें दो या दो से ज़्यादा वर्ब जो है वो यूज़ हुई हैं। आप इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सच आर सेंटेंसेस विद कंटेन टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लास इज नोन एज अ कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक है, आगे देखें कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अ सेंटेंसेस में कंटेन टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लास एंड वन और मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लास यानी दो या दो से ज़्यादा कोऑर्डिनेट क्लास मिले या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लास मिले तो हम उसे कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आर सेंटेंसेस वी कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लास एंड वन और मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लास इज कॉल्ड अ कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये जितनी भी डेफिनेशन है ये आपने याद भी करनी है। अगली देख लें काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास। वी शैल नाउ लुक आर थ्री काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास एडजेक्टिव क्लासेस एडवर्ब क्लासेस एंड नाउन क्लासेस। ठीक है, एडजेक्टिव क्लासेस में क्या होता है क्लासेस विच डस द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव क्लास। जिसमें एडजेक्टिव बोलते हैं किसी की अच्छाई या बुराई को जाहिर करना। ठीक है, तो उसे हम
एग्जेक्टिव क्लास बोलेंगे, जैसे द बॉय हु हैड रेस्क्यूड द चाइल्ड फ्रॉम द फायर वॉज रिवार्डेड फॉर द ब्रेवली ब्रेवरी। नंबर टू है हसन हु इज एन इंटेलिजेंट बॉय सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली। ठीक है, अब इसकी हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। पिक आउट द एडवर्ब क्लॉजेस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आल्सो मेंशन द नाउन दे क्वालिफाई। ठीक है, ये आपने बुक पर ही करना है। अलेक्जेंडर हु कंक्वर्ड मैनी कंट्रीज एज अ मैकडोनियन, इसमें नाउन जो है अलेक्जेंडर आ जाएगा और हु कंक्वर्ड मैनी कंट्रीज, तो ये एग्जेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। दिस बिल्डिंग विच वॉज फॉर्मली अ प्लेस हैज़ नाउ बिकम अ म्यूजियम, तो बिल्डिंग जो है वो नाउन हो जाएगा और विच वॉज फॉर्मली अ प्लेस एग्जेक्टिव क्लॉज। नंबर थ्री है द प्ले पीपल सॉ द स्नेक स्लाइडिंग इन टू अ होल दैट अ रैट हैड मेड इन द फ्लोर फ्लोर, तो इसमें होल जो है वो नाउन है और डैट अ रैट हैड मेड इन फ्लोर, ये एग्जेक्टिव क्लॉज होगा। नंबर फोर है द शिप विच स्नेक इन द स्टॉर्म बिलोंग टू अ रिच मर्चेंट, तो शिप जो है वो नाउन होगा और विच स्नेक इन द स्टॉर्म एग्जेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। नंबर फाइव द रॉबर्स हिड इन अ केव विच वॉज हैंग हाई अप इन द माउंटेन्स, तो केव जो है वो नाउन हो जाएगा और विच वॉज हैंग हाई अप इन द माउंटेन्स, ये एग्जेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। नंबर सिक्स है द क्राउड डैट हैड गैदर्ड टू विच द रेस टू वॉच द रेस चीयर्ड एज अ रनर्स इंटर द स्टेडियम, तो क्राउड जो है वो नाउन हो जाएगा। डैट हैड गैदर टू वॉच द रेस, ये एग्जेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। डिड यू सी द फिल्म डैट वन द फर्स्ट प्राइज, फिल्म जो है वो नाउन है, डैट वन द फर्स्ट प्राइज, एग्जेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। अगला है मैनी राइटर्स हु वर ग्रेट एंड फेमस डिड नॉट रिसीव द नोबल प्राइज, तो राइटर्स जो है वो नाउन हो जाएगा, हु वर ग्रेट एंड फेमस, एग्जेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। नंबर नाइन हु इज डैट बॉय हु इज सिटिंग ऑल अलोन ऑन द लास्ट बेंच, ना बॉय जो है वो नाउन हो जाएगा, हु इज सिटिंग ऑल अलोन ऑन द लास्ट बेंच, ये एग्जेक्टिव क्लॉज। नंबर टेन है नेवर ट्रस्ट अ मैन हु ऑलवेज स्पीक इल ऑफ अदर्स, हु ऑलवेज स्पीक इल ऑफ अदर्स, एग्जेक्टिव क्लॉज और मैन जो है वो नाउन हो जाएगा। अगला है जी एडवर्ब क्लॉज, अ क्लॉज विच डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इज एन एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अ क्लॉज यानी विच डज द वर्क, जो काम करता है ऑफ एन एडवर्ब इज एन एडवर्ब क्लॉज, उसे बोलते हैं। द रिंग वॉज फाउंड वेयर द थीफ हैड हिडन द स्टोलन ज्वेलरी। ठीक है, तो ये एडवर्ब क्लॉज है। इसकी एक्सरसाइज देख एक्सरसाइज है पिक आउट द एडवर्ब क्लॉजेस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, व्हेन द फादर फ्लिप टू ऑफ मैकडोनल्ड्स डाइड अलेक्जेंडर बिकम द किंग, तो इसमें एडवर्ब क्लॉज या टाइम हो जाएगा व्हेन हिज फादर फ्लिप टू ऑफ मैकडोनल्ड डाइड। ठीक है, नेक्स्ट है ही रन एज फास्ट एज ही कुड, ये मैनर्स में आ जाएगा एज फास्ट एज ही कुड। नंबर थ्री है द पायरेट्स बरीड देयर ट्रेयर्स वेयर नो बॉडी वुड बी एबल टू फाइंड इट, तो ये क्या आ जाएगा, प्लेस आ जाएगा वेयर नो बॉडी वुड बी एबल टू फाइंड इट। नंबर फोर है द म्यूजिशियन स्टार्टेड प्लेइंग आफ्टर द ब्राइड इंटर द रूम, तो आफ्टर द ब्राइड इंटर द रूम ये टाइम हो जाएगा। नंबर फोर फाइव है अ फ्रेंड हु हैव्स यू व्हेन यू आर इन नीड इज़ अ ट्रू फ्रेंड, तो व्हेन यू आर इन नीड इज़ द ट्रू फ्रेंड, ये टाइम हो जाएगा यानी क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। नंबर सिक्स है द पीपल हैड गैदर्ड इन द मार्केट प्लेस एज दे हैड नोवेयर एल्स टू गो, तो ये रीज़न हो जाएगा। नंबर सेवन है यू मस्ट एक्सप्लेन द पोएम टू बी बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यानी रीज़न इफ़ यू वॉन्ट टू गेट वेल
यू मस्ट टेक दिस मेडिसन एज सुन एज पॉसिबल. ये कंडीशन हो जाएगा. नंबर 9, द स्टॉर्म वाज सो सर्व दैट द रूम्स ऑफ मैनी हाउसेज वर ब्लोन अवे. ये एडवर्ब ऑफ रिजल्ट. नंबर 10 है, व्हेन ही केम्स टेल हिम दैट आई कुड नॉट वेट फॉर हिम एनी लॉन्गर. ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. ठीक है, तो आज का हमारा लेसन इतना ही था. इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़. स्टे ब्लेस्ड.